कैलकुलेशन, एक्सेल में हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशंस के बारे में। कैलकुलेशन मतलब देखिए, एक्सेल में आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि हम आगे की क्लास में सीखने वाले हैं। अब इन फॉर्मूले में को शुरू करने से पहले हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं इस तरह से, मुझे इसका सम करना है। तो सम करने के लिए एक्सेल की इनबिल्ट फार्मूला सम का इस्तेमाल तो किया ही जा सकता है। देखिए, उसके अलावा भी हम इसमें ईजली प्लस कर सकते हैं इस तरह से। अब जो ये सम का फार्मूला है, इनबिल्ट फार्मूला है, और ये जो हमने किया है, ये हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। जो मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, ये आपको फ्रीडम देता है कैलकुलेशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए, बट सम आपको नहीं देता है, क्योंकि इनबिल्ट है, वो फिक्स कंडीशन और फिक्स आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। तो कितने तरह के आपके मैथमेटिकल कैलकुलेटर है, सॉरी ऑपरेटर्स है, वो प्लस है, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और डिवाइड, और लास्ट में एक होता है पावर। ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। तो चलिए, इन्हीं के मदद से हम आपको कुछ एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल नंबर वन में, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि क्वार्टर वन का डेटा है, क्वार्टर टू का डेटा है, क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। ठीक है, क्वार्टर वन में मान लीजिए 85 सेल है, क्वार्टर टू में 60 सेल है, मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। तो ग्रोथ निकालने के लिए फॉर्मूले एक्सेल में हो सकते हैं, बट मैथमेटिकल सिंबल इस्तेमाल करने वाला हूं मैं, जो कि एक आता है कि लेटेस्ट क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन, क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन। अब इसी मेथड को हम यहां पे ट्रिगर करने वाले हैं। हम यहां पे आते हैं इक्वल, हम यहां क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन करेंगे। क्या राशि जी एक एग्जाम्पल रिजल्ट देगा? सही नहीं, नहीं नहीं देगा। क्यों? क्यों नहीं देगा? वो बीच में ब्रैकेट्स, जी हाँ, ब्रैकेट्स आना चाहिए। एक मास मेथड का इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब इसके अंदर ब्रैकेट में डालना। अब जो है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका शो कर। अगर किसी और एग्जांपल की हम बात करें, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, एग्जांपल नंबर टू। मेरे पास प्रिंसिपल है 50,000, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% ईयरली, और टाइम है मान लीजिए 6 ईयर। मुझे यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना है। हालांकि इसमें अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी कोड अवेलेबल है, बट हम उस कोड को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने मैथमेटिक्स को फॉलो करेंगे। तो मैथमेटिक्स में कहता है आपका कोड, एक मिनट, मैथमेटिक्स में आपका कोड कहता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाई 1 एन पावर ऑफ मल्टीप्लाई बाई एन। अब ये दो प्रॉब्लम इसमें आती है। पहली प्रॉब्लम, एक तो इसमें कई सारे कैलकुलेशन हैं, तो करेंगे कैसे? तो हम इसको एक बार, इसमें हम यूज करेंगे ब्रेक मेथड। ये मेरा बनाया हुआ मेथड है, मैंने जो 2006 में इंट्रोड्यूस किया था। मेथड क्या है कि बड़ी कैलकुलेशन को तोड़ दीजिए और फिर इसको कंबाइन कीजिए। तो मैं यही करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ r डिवाइड बाय n, मतलब कि 12, मतलब कि मंथली कैलकुलेशन है, इसलिए 12। देन 1 इक्वल टू 1 प्लस ये आ गया r डिवाइड बाय n। तो हमने बीच का कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया,
वन प्लस आर डिवाइड बाई एन, अब हम बात कर रहे हैं टाइम मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये ब्रैकेट वाला कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया, अब इन दोनों का पावर हम निकाल देते हैं पावर ऑपरेटर से, आ गया। देन आपस में इसको मल्टीप्लाई करके हम फाइनल रिजल्ट ले लेते हैं, बट हमें ये रिजल्ट सिंगल सेल में चाहिए, लेकिन इसके लिए हमने कई सारे सेल यूज किए। अब बात करते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। अब ये फॉर्मूला लिंक है C14 से, और C14 के अंदर फॉर्मूला है, तो C14 पे फॉर्मूला है, उससे अच्छा है कि C14 की फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और यहाँ C14 के ऊपर हम ब्रैकेट में पेस्ट कर देते हैं। अब C14 को डिलीट कर सकते हैं। अब F14 जो है वो D14 और E14 से लिंक है, तो D14 को डबल क्लिक करते हैं, इक्वल के बाद को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी मतलब कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम एस्केप दे देते हैं। यहां हम D14 को ब्रैकेट में हम पेस्ट कर देते हैं, यहां पे आ गया, और वापस सेम मेथड हम इसको भी फॉलो करते हैं, और यहां जहां E14 है उसके जगह पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इन दोनों को डिलीट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली हम इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ जहाँ पे हमारा F14 है उसके जगह पे ब्रैकेट में हम पेस्ट कर देंगे और इसको डिलीट करते हैं। अब इसको कॉपी करके नहीं, कट करके लेके आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हो सकता है कि इतनी ब्रैकेट में ब्रैकेट, अब हो सकता है कि लगा ले, या हो सकता है कि ब्रैकेट टूट जाए, ब्रैकेट कोई छूट जाए या कोई गलत कैलकुलेशन हो जाए, लेकिन हमने स्प्लिट कर दिया, मतलब कि टुकड़ों में किया, फिर इसको 1/1 करके कंबाइन कर लिया। अब अब्दुल आसिफ जी सोच रहे होंगे कि इतना झमेला करने की जरूरत क्यों है, ये तो मैं ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट हम लिख सकते थे, लेकिन अगले एग्जांपल जो है हमारा एग्जांपल नंबर 3, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि नहीं ये तो सही तरीका है। हमें निकालना है MRP कैलकुलेट करना चाहते हैं, और हमारा प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो मान लीजिए 50 है, तो मैनुअल निकालेंगे तो क्या होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई बाय 5% करेंगे, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने 5% की कमीशन लिया और अपने अंदर ऐड किया और दे दिया किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, 10% का कमीशन लिया अपने, सॉरी यहां पे मल्टीप्लाई बाय 10% और अपनी लागत में ऐड करके दे दिया किसको, होलसेलर, अपने लागत में ऐड करके किसको दे दिया, होलसेलर। अब होलसेलर क्या करेगा कि इसमें 15% का कमीशन निकालेगा, अपने खरीद में ऐड करेगा और दे देगा रिटेलर। रिटेलर अपने खरीद में से 20% का कमीशन निकालेगा और दे देगा रिटेलर। तो कस्टमर की लागत की समान दुकान तक पहुंचते 79 रुपीज का हो गया। अब इस सारी कैलकुलेशन मुझे एक सेल में करना है, तो चलिए हम इस कॉपी पेस्ट वाले मेथड को यहाँ करते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, हम ब्रैकेट को इक्वल कॉपी नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, और जहां पेस्ट करेंगे हम ब्रैकेट में पेस्ट करेंगे। हम इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करके देख लीजिए कोई आपका रिजल्ट इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, इफेक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि आप सही जा रहे हैं। तो यह है आपका D20, तो जहां हमारा D20 है इसके जगह पर D20 को पेस्ट कर दिया, यहां भी हमारा D20 है तो D20 को पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, फिर वापस इसको आया, हमने इसको कॉपी किया, और यहां जहां हमारा E14
E19 है उसके जगह पर E19 का फॉर्मूला इन द ब्रैकेट में डाल दिया। E20 को फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और यहां जहां E20 है उसको ब्रैकेट में हम डाल दें और यहां भी हमारा E20 है तो ब्रैकेट में E20 के जगह पे E20 का फॉर्मूला डाल दिया। मैं इसको डिलीट कर दिया। अब मैं इसको वापस कॉपी कर रहा हूं। अब यहां पे आता है F19 के जगह पे मैं F19 का फॉर्मूला डाल दिया और इसको हम डिलीट कर दिया। फिर यहां से मैं F20 को कॉपी किया और यहां जहां F20 है इसके जगह पे F20 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया और यहां भी मैं F20 को डिलीट किया, ब्रैकेट के अंदर F20 को पेस्ट कर दिया। एंड लास्ट जो हमारा पेस्ट होगा वो होगा G19। कॉपी किए और G19 जहां है उसके जगह पे हम ब्रैकेट में पेस्ट कर दिया और इसको कट करते हैं और जहां मुझे चाहिए वहां पे हम पेस्ट कर दें। कट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब राशि जी एंड मयूरी जी, क्या लग रहा है आपको, इतना बड़ा फॉर्मूला आप लिख पाते डायरेक्ट? सर मैं भी कोशिश करूंगा तो नहीं लिख पाऊंगा सर। नहीं लिख सही है। तो आगे चल के इस मेथड का यूज मैं करूंगा। क्यों करूंगा? इस मेथड का यूज करूंगा ताकि हम बड़े बड़े फॉर्मूले को इजीली लिख सके। 5-7 फॉर्मूले को जो ऐड करके कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बनाते हैं उसको आसानी से हम यहाँ डाल सके, ये चीजें हम आपको बताएंगे आगे। इसी मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब आगे पढ़ने से पहले अच्छा होगा कि आप इसी तरह की 15-20 कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आगे फॉर्मूले मेथड पे अगर कमांड हो जाएगी तो आगे की क्लासेस में बताए गए फॉर्मूला आपको आसानी से समझ में आएगा।